तो आज के इस लेक्चर में हम डिलीवरी यूजर एपीआई को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं अपने फ्रंट एंड के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर एक बटन चाहिए होगा जिसके क्लिक पर हम क्या करेंगे, साथ ही साथ यहाँ से डिलीट होगी, रियल टाइम डिलीट जैसा कि होता ही है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले ये हमारी एपीआई है और जिसको हमें यहाँ पर अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर इंटीग्रेट करना है। तो सबसे पहले हम जाते हैं अपने एसआरसी के अंदर और यहाँ पर हमारी सर्विसेज हैं, यूजर सर्विस जिसके अंदर हम वर्किंग कर रहे हैं ऑलरेडी, जिसमें हमने यूजर क्रिएट यूजर गेट का हमने ऑलरेडी यहाँ पर मेथड क्रिएट कर रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक मेथड और क्रिएट कर लेते हैं जो कि बेसिकली होगा डिलीट यूजर के लिए। ठीक है, एंड देन यहाँ पर क्या होने वाला है, बेसिकली हम सबसे पहले तो अपना यूआरएल पास करेंगे, लाइक यूआरएल जो आपका होगा, तो यहाँ पर जो यूआरएल है वो ये है आपका डिलीट यूजर का। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ, हालांकि आपका जो बेस यूआरएल है वो कहीं पर भी रख सकते हो। ठीक है, अब ये जो है यहाँ पर पोस्ट में होने वाला है और इसका जो हेडर्स में जो है कंटेंट टाइप इसका एप्लीकेशन जेसन है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, ये बेसिकली एक फॉर्म डेटा ले रहा होगा। ठीक है, फॉर्म डेटा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉर्म डेटा लेने के बाद हम यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, कुछ हेडर्स हम पास करेंगे, कॉन्स्ट कन्फिग कन्फिग्रेशन जिसे हम बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, एंड देन इसमें हम हेडर्स पास कर देते हैं, लाइक हेडर्स होगा आपका जो कि है बेसिकली कंटेंट टाइप, जो कि मेरा यहाँ पर चल रहा है ना कंटेंट टाइप, तो ये मैं सी कैपिटल रखूंगा, ये ध्यान रखना, और टी भी इसमें कैपिटल रहेगा। ठीक है, अगर आप थोड़ी सी मिस्टेक करोगे तो ये डेटा को सबमिट नहीं करेगा बैकएंड की तरफ। ठीक है, तो यहाँ से एप्लीकेशन जेसन जो है मैं इसमें पास कर देता हूँ। तो ये तो मैंने हेडर सेटअप कर लिया, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सिंपल है एक्सियोस का यूज करूंगा जो कि हम ऑलरेडी यूज करते आ रहे हैं, एक्सियोस डॉट पोस्ट, क्योंकि ये पोस्ट मेथड है हमारा। एंड देन यहाँ पर हम सबसे पहले तो यू आर एल पास करेंगे, फिर नेक्स्ट वन इज आपका फॉर्म डेटा जो आएगा, फॉर्म डेटा जो होगा, एंड देन फिर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है आपकी, तो ये हमने जो है डिलीट यूजर सर्विस जो है यहाँ पर क्रिएट कर दिया, इसलिए यूजर सर्विस के अंदर हमने डिलीट यूजर मेथड क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम अपने आते हैं व्यू के ऊपर, तो लाइक ये यूजर के अंदर, यूजर कंपोनेंट के अंदर हम वर्किंग कर रहे थे, तो यहाँ पर हमने डेटा शो कराया हुआ है स्टेबल फॉर्मेट में, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक टीएच और ऐड कर देते हैं, हाँ, जो कि बेसिकली क्या होगा कि आपका डिलीट यूजर करने के लिए होगा डिलीट। ठीक है, और मैं यहाँ पर एक टीडी ऐड कर देता हूँ जो कि बेसिकली डिलीट के लिए होगा। ठीक है, अब इस टीडी के अंदर मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक बटन क्रिएट करूंगा, तो मैं यहाँ पर बटन क्रिएट कर लेता हूँ। अब इस बटन को हम कुछ क्लासेस देते हैं, बूटस्ट्रैप की क्लास, जिससे कि थोड़ा बेटर लुक दिखाई दे, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑलरेडी बूटस्ट्रैप को इंस्टॉल किया हुआ हूँ। ठीक है, तो btn btn hyphen danger, एंड देन ये आपका थोड़ा रेड कलर में आएगा बटन, फिर हम क्या करेंगे यहाँ पर लिख देते हैं डिलीट। ठीक है, और यहाँ पर मैं इसके ऑन क्लिक पर हम क्या करेंगे, एक इवेंट क्लिक कराने वाले हैं। ठीक है, इवेंट में हम एक मेथड क्लिक कराएंगे, इवेंट लिख देते हैं हम यहाँ पर, इवेंट एरो, एंड देन एक मेथड कॉल कराएंगे लाइक डिलीट यूजर करके। ठीक है, अभी हालांकि हमने क्रिएट नहीं किया है, हम क्रिएट करेंगे, और उसमें क्या होगा, डिलीट यूजर जब हम इस मेथड को जब जहां पर हम क्रिएट करेंगे, वो एक अपने पैरामीटर में क्या कर रहा होगा, यूजर आईडी ले रहा होगा। ठीक है, यहाँ से हम एज आर्ग्यूमेंट पास करेंगे, तो यूजर के पास जो है ये देख पा रहे हो, हम इसमें से अपनी यूजर आईडी निकाल लेंगे। ठीक है, यूजर डॉट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, तो अंडरस्कोर आईडी हमने इसमें पास कर दी, मतलब यूजर की आईडी गई। अब हम क्या करते हैं, इस मेथड को क्रिएट कर लेते हैं टॉप पर, जिससे कि हम इसका यूज कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर कुछ कमेंट्स लिख देता हूँ, डिलीट यूजर फंक्शनलिटी। ठीक है, और मैं यहाँ पर मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, कॉन्स्ट डिलीट यूजर इक्वल टू असिंक अबिट का हम यहाँ पर यूज करके चलेंगे, ध्यान रखिए, क्योंकि हम यहाँ पर असिंक अबिट कैसे यूज कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को एपीआई कॉल करानी होगी जो कि बेसिकली प्रॉमिस रिटर्न करेगी। ठीक है, अब ये क्या है, अपने पैरामीटर्स में एक यूजर आईडी ले रहा होगा, तो वो मैंने यहाँ पर लाइक यूजर अंडरस्कोर आईडी कर लेता हूँ, चाहे आप कुछ भी कर लो, एंड देन फैक्ट एरो हमने मेथड बना लिया है। ठीक है, यहाँ पर अब सबसे पहले मैं यहाँ पर फॉर्म डेटा क्रिएट करूंगा, तो फॉर्म डेटा करके एक मैंने वेरिएबल बना लिया है, फॉर्म डेटा। ठीक है, एंड देन यहाँ पर हम न्यू करके, न्यू फॉर्म डेटा करके हम फॉर्म डेटा क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले हम फॉर्म डेटा के अंदर अपेंड कर देंगे डेटा, फॉर्म डेटा डॉट अपेंड। ठीक है, सबसे पहले इसमें नेम होगा, नेम क्या जाने वाला है, बेसिकली आपको पता है इस एपीआई में जाएगा यूजर आईडी। ठीक है,
तो यहां से हम यूजर आईडी इसमें पास कर देंगे, और जो यूजर आईडी यहां पर आ रही है एज अ पैरामीटर हम गेट कर रहे हैं वो हम इसके अंदर पास कर देंगे। तो अब ये जो है एपीआई हिट होगी जब ये डेटा जाएगा और वो वहां से डिलीट कर देगा डेटा को, ठीक है। पर उससे पहले अभी हमें यहाँ पर यूजर सर्विस का यूज करना है, तो हमने ऑलरेडी यूज कर रहे हैं ऊपर यूजर सर्विस का, ठीक है। तो यूजर सर्विस डॉट सजेशन में हाँ आना चाहिए, आ चुका है डिलीट यूजर, नहीं आ रहा तो अभी हमें टाइप ही तो करना होता। यहाँ पर हम फॉर्म डेटा पास कर देंगे, क्योंकि आपको पता है जो अभी हमने सर्विस क्रिएट की थी वो अपने पैरामीटर्स में एक फॉर्म डेटा नाम का वेरिएबल ले रहा था, ठीक है। अभी यहाँ पर ये प्रॉमिस रिटर्न करेगा, तो हम प्रॉमिस रिटर्न करने के बाद हम एक वेरिएबल में रख लेते हैं लाइक रेस्पॉन्स करके, एंड देन यहाँ पर इसके पास जो है जो रेस्पॉन्स आया होगा वो समथिंग कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है, डेटा के अंदर जा करके, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, बेसिकली इफ कंडीशन लगा लेते हैं, इफ एंड एल्स का यूज करेंगे। देखिए दो चीजें हो सकती हैं, या तो प्रॉपरली चली जाएगी आपकी पे या कुछ एरर्स आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम इफ एंड एल्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है, बेसिकली हमें चेक करना है डेटा डॉट सक्सेस, अगर आपका ट्रू होता है तो हम क्या करेंगे मैसेज शो करा देंगे, जो भी इसका मैसेज होता है इक्वल इक्वल ट्रू होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिकली अलर्ट में ये जो मैसेज आता है बैकएंड की तरफ से वो हम यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट करा देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, बेसिकली रेस्पॉन्स और डेटा डॉट एमएसजी, क्योंकि यहाँ पर जो है एमएसजी नाम की है जो कि मिल रही है आपको, तो यहाँ पर ये हमने प्रिंट करा दिया है। अलर्ट में हम क्या कराएंगे, बेसिकली अलर्ट में भी हमें यही कराना है, पर जो भी आप कुछ चाहते हो परफॉर्म कराना वो आप यहाँ पर करा सकते हो इसलिए, ठीक है। और मैं नीचे क्या करूंगा, ये जो आपका फैच यूजर्स नाम का जो मेथड था जिसे आप रिफ्रेश करा सकते हो बेसिकली यूजर्स को, ठीक है, आप इसका यूज कर सकते हो, यहाँ पर इसे लास्ट में कॉल कर दो, ठीक है। तो इतना काम आपको करना है इसके अंदर। अभी हम यहाँ पर अपने व्यू पर चलते हैं कि क्या होता है, टेस्ट करेंगे। तो देख सकते हो डिलीट बटन आ चुके हैं, लाइक मैं यहाँ से टेस्टिंग वाले अकाउंट को जो है डिलीट करता हूँ, ठीक है। तो टेस्टिंग देख सकते हो यहाँ से डिलीट हो चुका है डायरेक्ट, पर यहाँ पर कुछ मैसेज नहीं आया, ठीक है। तो मैसेज क्यों नहीं आया है वो हम चेक कर लेते हैं, रेस्पॉन्स डॉट डेटा डॉट सक्सेस इक्वल इक्वल ट्रू हो, तो एक बार हम रिफ्रेश करते हैं अगेन। हाँ डिलीट तो हो चुका है डेटा, पर हमारे पास अभी कुछ अलर्ट नहीं आया था, तो आई थिंक हमने परफॉर्म कराया हुआ है या नहीं परफेक्ट वे में। हाँ यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसलिए एक कंसोल डॉट लॉक करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉक रेस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है, इससे हमें पता चल जाएगा कि हमारे पास चल क्या रहा है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है इंस्पेक्ट कर लेता हूँ बेसिकली, और इंस्पेक्ट करने के बाद हम आते हैं कंसोल में, और यहाँ से हम इनको रिमूव करते हैं जो बाकी एरर्स आ रही हैं। तो यहाँ से मैं किसी को क्लिक करता हूँ, लाइक इसको मैंने क्लिक किया तो ये क्या बोलता है, रीडिंग डेटा कैन नॉट यूजर कंपोनेंट डॉट जे एस एक्स, हाँ रेस्पॉन्स डॉट डेटा, इसको ये डेटा नहीं मिल रहा है, डायरेक्ट डिलीट हो रहा है, क्यों डिलीट हो रहा है यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं, क्विक फिक्स अवेट, ओ सॉरी हाँ नहीं नहीं अवेट तो है, हैज नो इफेक्ट ऑन टाइप ऑफ दिस एक्सप्रेशन, हाँ कॉन्स्ट रिमूव अननेसेसरी अवेट, हाँ यहाँ से अननेसेसरी बोल तो रहा है कि हटा दो, चलो एक बार हम हटा के ही ट्राई कर लेते हैं अगेन, ठीक है। तो यहाँ से मैं करता हूँ इसको हिट, डिलीट हो चुका है पर कुछ तो आया नहीं है, अनडिफाइंड डेटा बोलता है। एक बार हम क्या करते हैं, रेस्पॉन्स डॉट रेस्पॉन्स को ही प्रिंट कराते हैं, ठीक है। तो अभी मैं एक न्यू यूजर क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक यहाँ पर समथिंग टेस्ट टेस्ट जो भी है, मैं बस टेस्टिंग के लिए करा रहा हूँ, एंड देन यहाँ पर हमने चूज कर लेनी है एक इमेज, तो एक इमेज मैं यहाँ से चूज कर लेता हूँ, और यहाँ से मैंने ये चूज कर लिया, एंड देन मैं सेव करता हूँ। तो इसी तरीके से हमें अलर्ट कराना था, पर यहाँ पर जो है रेस्पॉन्स और डेटा करके उसे रीड नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो यहाँ पर कंसोल में अभी भी क्या बोलता है, किस जगह बोलता है, इसलिए ऊपर आ जाते हैं, अनडिफाइंड बोलता है, रेस्पॉन्स अनडिफाइंड आया है, इसलिए हमें अवेट चेक कर लेते हैं एक बार, हमने अवेट
का यूज तो करना ही पड़ेगा, वरना यहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। tester@gmail.com, ठीक है, और यहाँ पर मोबाइल नंबर समथिंग, और चूज हम कर लेते हैं ये, और यहाँ से सबमिट किया, यूजर क्रिएट हुआ, ठीक है। हाँ, यहाँ पर अब हम चेक करते हैं कि क्या चल क्या रहा है मामला। प्रोमिस इन अनकोट इन प्रोमिस कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड। सॉरी गाइस, मैंने अब की बार डेटा लगा दिया, यहाँ पर मेरे को रेस्पॉन्स लगाना था। यार क्या दिक्कत हो रही है। टेस्टिंग समथिंग, मैंने मोबाइल नंबर डाला, कुछ फाइल सेलेक्ट की, और यहाँ से मैं सबमिट करता हूँ, यूजर क्रिएट हुआ, ठीक है। एक बार हम रिफ्रेश कर लेते हैं, डिलीट करते हैं। अनडिफाइंड बोलता है, क्यों अनडिफाइंड बोल रहा है मेरे को ये नहीं समझ में आया। रेस्पॉन्स, सॉरी गाइस, मैंने यहाँ पर जो है रिटर्न तो कराया ही नहीं है। मैंने कितनी बड़ी गलती की हुई है, मेरे पास रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ से मैंने जो है रिटर्न नहीं कराया हुआ। इतनी बड़ी गलती मैंने की हुई थी, ठीक है। आई होप आप अंडरस्टैंड हो पा रहे होंगे मैंने क्या गलती की थी, और तभी मेरे को यहाँ पर डॉट डेटा करके मेरे को कुछ नहीं मिल रहा था, ठीक है। तो एक बार हम अगेन टेस्टिंग करेंगे, तो टेस्टिंग अब तो चलेगी परफेक्ट। क्या यार, छोटी छोटी मिस्टेक ही हमें ले डूबती हैं। gmail.com, कुछ नाम, मोबाइल नंबर, एंड देन मेरे को पता है ऐसे चला क्योंकि वहां पर रेस्पॉन्स अनडिफाइंड आ रहा था, मैंने कहा रिटर्न क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। तो यहां पर आ चुका है परफेक्ट वे में, ठीक है। तो अब हम इसे डिलीट करते हैं, ठीक है। अभी आ रहा है यूजर डिलीटेड सक्सेसफुली, परफेक्ट चल रहा है अभी, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा मेरी एक छोटी सी गलती, जो मिस्टेक की थी मैंने यूजर सर्विस में से रिटर्न कराना भूल गया था, उस वजह से मेरे को यहाँ लफड़ा देखने को मिले। हालांकि डिलीट हो रहा था क्योंकि वो मेथड कॉल हो रहा था, रिटर्न हमने कराया नहीं था, इसलिए यहाँ पर ये सारा कुछ झेलना पड़ा। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू।